संचालन कर रहे हैं, दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य चुने गए भाई अजय गौतम जी, बगल में बैठे हैं बहुत सम्मानित साथी भाई भागवत प्रधान जी, बगल में बैठे भाई राम सहाय प्रजापति जी, हमारे पूर्व प्रधान जी बहुत सम्मानित साथी भाई खानपुर साहब सलेमपुर, बहुत सम्मानित साथी भाई राम सुभग प्रधान जी, हौसला प्रजापति जी, भाई पारसनाथ वर्मा जी, नन्हे यादव जी और वीरेंद्र यादव जी, राधे श्याम यादव जी, हरकेश यादव जी और हमारे बहुत सम्मानित साथी पप्पू यादव प्रधान जी, राणा प्रजापति जी और तमाम सम्मानित साथी बैठे भाई सालनी गौड़ जी, चंद कला गौड़ जी, गिरिजा गौड़ जी, इंद्रावती गौड़ जी, सीमा गौड़ जी भाई, बहुत सम्मानित साथी भाई पप्पू गौड़ जी, गुड्डू गौड़ जी, अमित जी और बहुत सम्मानित साथी भाई भैया राम जी, राम कुमार और भाई राकेश सिंह जी, गायत्री गौड़ जी, हसीना बानो जी, कलावती जी, शांति प्रजापति जी, भानमती जी, रेखा शर्मा जी, प्रेमा देवी शर्मा जी, चंद्रावती शर्मा जी, देवमती शर्मा जी, हसीना बानो जी, हमारे भाई एजाज अहमद साहब और राम तेज जी और उपस्थित भाई सम्मान्य पूर्व कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी और कटहरी के शानदार विधायक, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री लाल जी वर्मा जी के लिए आपसे वोट की अपील करने आया हूं कि 25 मई को एक एक वोट साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर लाखों लाख वोटों से श्री लाल जी वर्मा को जिताकर सांसद बनाकर पार्लियामेंट भेजना होगा, ये बेटा आपसे निवेदन करने आया है। साथियों, आप मुझे 6 बार मौका दिए हैं और आपके आशीर्वाद से ये जब हमें एक अपना पैरोकार बनाया, वकील बनाया, तो मैंने पैरवी करके इस अकबरपुर पार्लियामेंट को जिला बनाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से और इस जिले के चौमुखी तरक्की विकास के लिए अरबों खरबों रुपयों का प्रोजेक्ट लाया गया, तो उसमें और वृद्धि हो इसलिए माननीय श्री लाल जी वर्मा को जिताना होगा, हमारे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। चूँकि जिनको अभी तक जिताए थे आप, विकास छोड़ दीजिए, कभी आपके गली मोहल्ले में झांकने भी नहीं आए होंगे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करते हुए ज़रूर बताना चाहता हूँ, आज डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और केंद्र में जो भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। जो देश और प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों पर कभी भी बीजेपी ने बहस नहीं कराई, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, और जो गोदी मीडिया है जो एंकर स्टूडियो में जो बहस करते वो भी उस पर नहीं कभी चर्चा कराए। अगर चर्चा कभी होती है तो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद धार्मिक उन्माद फैलाकर हमारे बीच में नफरत की बीज बोकर ये वोट के सौदागर हैं, इसलिए इन वोट के सौदागरों को हमें हटाना होगा। अभी पहलवान जी बता रहे थे, किसने कहा था भाई नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। अरे नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन जो नौकरी के लिए वांट निकाले इनकी सरकार में, जब कॉल लेटर हमारे भाई बहनों के पास आया, जब परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने गए तो पता चला पर्चा लीक यानी पर्चा आउट। देखिए पर्चा लीक कराने वाली सरकार है नौकरी देने वाली, तो हमारे नौजवानों को तब भी गुमराह के धोखा देने का काम किया। और ज्वलन समस्या क्या है देश की, देश की ज्वलन समस्या बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और दूसरा महंगाई। आज महंगाई चरम सीमा पर है, कौन कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई 2-3 गुना बढ़ गया, वो भी झूठ साबित हुआ। उन्होंने कहा अच्छे दिन लाएंगे तो हमारे खराब दिन आ गए, अच्छे दिन किनके आए, वोट देने वालों का खराब दिन आया, अच्छे दिन उनके आया। चंद पूंजीपतियों का कर्ज लगभग कितना माफ़ किया गया, लगभग 25 लाख करोड़, ये अदानी 27 पूंजीपति घरानों का कर्ज माफ़ किया गया। और जो वोट देने वाला है, जो किसान है, गरीब है, मध्यम वर्ग है, अगर उसका ये भाजपा सरकार 2 लाख करोड़ कर्ज माफ़ कर दिए होती तो आज पूरे देश का किसान कर्ज मुक्त होता,
लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये दो समस्याएं बहुत ज्वलंत हैं, बहुत गंभीर मुद्दे हैं और इस पर भी जुमलेबाजी और झूठ बोल के 10 साल बिता दिए। फिर इन्होंने और क्या आपसे वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी होगी, तो किसानों का आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन उनके फसलों का लागत मूल्य भी आज निकल नहीं पा रहा। क्यों? महंगाई के कारण। आज महंगाई के कारण मेरे दोस्तों त्राईमाम त्राईमाम पूरे देश में मचा है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, और जो बीज हो, कीटनाशक दवाएं हो, और कृषि यंत्र में जितना भी उपकरण लिया जाता, ट्रैक्टर टाली से लेके, पंपिंग सेट से लेके, थ्रेसर से लेके, और जितने भी खेती करने के लिए जो उपकरण आते, आज सब महंगे हो गए। और महंगे के अलावा 6,000 हमें किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, और आज वो महंगाई कितना कर दी है, आज किसानों का आय दुगनी तो ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों किसान तो जरूर टूट गया, टूट गया कि नहीं, आज चारों तरफ के, और वो भी रासायनिक खाद इतनी महंगी के साथ साथ यूरिया की बोरी में 10 किलो चोरी हो गई, अब 40 किलो की बोरी आ रही है। कितना? 40 किलो की बोरी जो है ये सरकार, इसलिए इस सरकार को खार फेंकने के लिए हमें जो है एक प्लेटफार्म एकजुटता दिखाना होगा। ये भी झूठ साबित हुआ। उन्होंने कहा हर गरीब के सर पे छत होगा, तो हर गरीब के सर पे छत तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर 10 करोड़ 15 करोड़ की लागत से भारतीय जनता पार्टी का जिले कार्यालय पर, मुख्यालय पर जो है ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया, निर्माण हो गया, लेकिन जिनके वोट से राजा बने उनसे उन्होंने वादा किया कि हर गरीब के सर पे छत होगा, तो आज तक छत मुहैया नहीं हुआ। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कितना इन्होंने धोखा दिया, कितना हमें गुमराह करने का काम किया है। और इन्होंने क्या वादा किया था हमारी जो बहनें हैं, देखिए कितना मार्मिक अपील किया कि जब हमारी बहनें माताएं लकड़ी से चूल्हे पे खाना बनाती हैं तो धुएं से आँख खराब हो जाती है, तो अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया धुएं से आँख खराब हो जाती है, तो उन्होंने फ्री गैस सिलेंडर दिया। उस समय कितना दाम था? 3.5 से लेकर 450 रुपया, लेकिन आज क्या 1100 पार। कितना तो गैस सिलेंडर भूसे में रख उठा, घर में रख दिया गया, फिर हमारी बहन बेटियां चूल्हे पे लकड़ी से खाना पकाना शुरू किया। ये भी झूठ साबित हुआ। और इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, हर गरीब के खाते में 15 से लेकर 18 लाख रुपया, और इन्होंने कहा अगर हम काला धन नहीं ले आ पाएंगे 90 दिन में तो हमें चौराहे क्या दे देना, जोर से बोलो। वो भी 10 साल बीत गया, काला धन तो नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्तों कोरोना काल में ताले और थाले बजा के माननीय प्रधानमंत्री कोरोना भगाने काम कर, जहां ऑक्सीजन सुई दवा इलाज से कोरोना ठीक होता, वहां हमारे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के भाई बहनों से ताली और थाली बजवाए, एक हफ्ते बाद दीपक जलवाए, तब वो क्या कोरोना भागा? नहीं मेरे दोस्तों, कोरोना तो नहीं भागा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से हमारे तमाम भाई बहन जो है दम तोड़ दी। ये सरकार कफन नहीं दे पाई, लकड़ी नहीं दे पाई, दवाई नहीं दे पाई। और मैं बताना चाहता हूँ रोटी रोजी के लिए जो अन्य प्रदेशों में भाई बहन गए थे, चाहे महाराष्ट्र हो, नागपुर हो, गोंदिया हो, नासिक हो, मुंबई हो, सूरत हो, अलीगढ़ हो, या अलग अलग स्टेटों में, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, जहाँ लोग रोटी रोजी के लिए गए थे, एकाएक लॉकडाउन लगाने पर हमारे जो श्रमिक थे, जो हमारे रोटी रोजी के लिए भाई बहन गए थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बस और ट्रेन से चले आए। जब तक उनके पास पैसा था दुकानदारी भी उधारी देता था, जब पैसा खत्म हो गया तो उधारी भी देना सरमाएदार बंद कर दिया, तो हमारे मजदूर भाई बहन कमर कस लिए पैदल चलकर अपने वतन को पहुंचने के लिए। तो आपने देखा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा, तमाम हमारे भाई बहन रास्ते में पानी और भोजन के अभाव में दम तोड़ दिए। कितनी बहनें जो डिलीवरी थी, बच्चा रास्ते में जन्म देती हैं, दवा के अभाव में, भोजन के अभाव में, पानी के अभाव में बच्चा भी दम तोड़ दिया, माँ भी दम तोड़ दी।
और मेरे दोस्तों, वर्तमान सरकार सहानुभूति नहीं, शोक संवेदना भी नहीं व्यक्त की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और साथ ही साथ काला धन तो लाया नहीं, लेकिन किस तरह इन्होंने मेरे दोस्तों इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदवा कर और पूरे देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उजागर होगा। तो जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, जो भारतीय जनता पार्टी खाते में सबसे ज़्यादा रकम आई है, वो मेरे दोस्तों पूरी दुनिया के लोग कोसेंगे भारतीय जनता पार्टी में। उदाहरण देना चाहता हूँ, जो पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट सीरम कंपनी है, जिन्होंने वो जो है कोविड शील्ड वैक्सीन बनाया था, और जब वो लैब में गया, शोध संस्थान में गया, तो मेरे दोस्तों जांचों उपरांत वो वैक्सीन रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन जब पुणे की कंपनी का मालिक, सीरम कंपनी का मालिक, जब उसने मेरे दोस्तों कई करोड़ रुपया का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लिया, चुनावी चंदा दे दिया, तो रिजेक्ट वैक्सीन भी पास कर दी। और जिन भाई बहनों को वैक्सीन लगा था, आज मेरे दोस्तों एक सेकंड डेढ़ सेकंड में खड़े खड़े लोग गिरते, हार्ट अटैक हो रहा, हाथ के जोड़ों में दर्द, पैर के जोड़ों में दर्द, पूरा त्राइमाम मचा। और अमेरिका की लैब जो है, शोध संस्थान ने कन्फर्म कर दिया कि जो ये वैक्सीन थी, ये जो वैक्सीन भारत ने बनाई थी, सीरम कंपनी पुणे ने बनाई थी, वो वैक्सीन वो जो है जीवनदायिनी नहीं थी, वो भाई बहनों के लिए रिएक्शन किया। आज बड़े पैमाने पर हमारे भाई बहन लाखों लाख दम तोड़ रहे हैं। अगर ये हमारे जीवन के साथ सरकार खिलवाड़ कर दिया, तो क्या भविष्य में आप उम्मीद कर रहे हो कि इससे हमें न्याय मिलेगा? ये मेरे दोस्तों, आप वो भी उम्मीद छोड़ दीजिए। इसलिए इनको हमें उखाड़ फेंकना है और हमें इनको भगाना है। हम अपनी बहनों से आज महंगाई देख लीजिए, हमारे बच्चों की जो शिक्षा है, आज दवाई अभाव है और पूरा त्राइमाम मचा है। आज हमारे बच्चों को कापी किताब रबड़ पेंसिल से लेके जो भी शिक्षा के, चाहे बस्ता हो, जूता हो, मोजा हो, आज सब देखिए कितना महंगा और टाइट। यहाँ तक कि जो हम बच्चों को पौष्टिक आहार देते हैं, वो भी दूध, घी, छाछ, दही, मक्खन, आज वो भी महंगा और टैक्स और GST दे रहे हैं। इसलिए इनकी मंशा है कि बच्चे जो हैं अनपढ़ हों, गंवार हों, जिससे कि वागे जितना वो कहें वो मान लें। लेकिन मेरे दोस्तों, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, आज संविधान के बदौलत हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है। आज संविधान भी खतरे में, आरक्षण भी खतरे में, और हमारे सरकार के मुखिया कहते हैं कि 400 पार, अरे 400 पार नहीं, 4 चरणों के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन की तरफ सबसे ज्यादा रुझान आगे है और भाजपा पीछे है, तो अब 200 पार भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों, इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए और इनसे अब कोई उम्मीद आप मत करिएगा। बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे भाई, ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, कैसा नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदना, ये जुमलेबाजी है, झूठ है। और मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ, आज़ाद भारत का एक प्रदेश है मणिपुर, मणिपुर आज तक जल रहा है और हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया, उनके साथ दरिंदगी हुई। जब बाप अपनी बेटी की असमत को बचाने के लिए सामने आया, जब भाई अपने बहन की असमत को बचाने के लिए सामने आया, तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अरे भाई, बीजेपी वालों में कैसा राम राज है, और मैं उस महाकाल उज्जैन ले चल रहा हूँ, धर्म की नगरी इंदौर मध्य प्रदेश ले चल रहा हूँ, जहाँ कुछ दिन पहले 14 साल की बेटी के साथ दरिंदगी हुई और मरा जानकर उसको सड़क के किनारे फेंक दिया गया। जब सुबह उस बेटी को होश आता है, तो 2.5 घंटे में बेटी 8.5 किलोमीटर पैदल चली, मानवता शर्मसार हो गया। किसी भी माँ बाप का दिल नहीं पसीजा, किसी भी भाई बहन का दिल नहीं पसीजा, किसी भी पत्नी का दिल नहीं पसीजा, किसी भी मेरे दोस्तों NGO संस्था का दिल नहीं पसीजा कि उस बेटी के तन को ढकने के लिए 2-4 मीटर कपड़ा, एक पुरानी धोती, एक पुरानी साड़ी दे दें। एक ऐसा राम राज है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, कानपुर नगर में क्या हुआ, प्रयागराज में एक छात्रा के साथ दरिंदगी करके उसकी हत्या कर दी गई, प्रतापगढ़ में क्या हुआ, गोरखपुर में क्या हुआ, आजमगढ़ में क्या हुआ। और मेरे दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ वर्तमान सरकार के मुखिया से, जिन पहलवान बेटियों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, तिरंगा झंडा लहराने का काम किया, जब वो पहलवान बेटियां गोल्ड मेडल लेकर भारत आते हैं,
तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गोदी मीडिया को इकट्ठा करके उन पहलवान बेटियों का सम्मान करने का काम किया। लेकिन उन पहलवान बेटियों के साथ जो दरिंदगी हुई थी, जब वो पहलवान बेटियां न्याय पाने के लिए एसपी एसएसपी डीआईजी आईजी कमिश्नर के यहाँ चक्कर लगा रही थी, तो उनको मेरे दोस्तों न्याय नहीं मिला। एफआईआर बड़ी मुश्किल से दर्ज हुआ, न्याय नहीं मिला। तो वो बेटियां न्याय पाने के लिए नई दिल्ली जंतर मंतर पे मेरे दोस्तों मेरी भाई बहनों वो धरना दिया, आंदोलन कर रहे थे। उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी नए संसद का उद्घाटन कर रहे थे, और इधर जो है दिल्ली पुलिस उन पहलवान बेटियों के बाल को पकड़कर नोचने घसीटने अपमानित करने का काम किया। ये कैसा रामराज है मैं बताना चाहता हूँ। जिस काशी हिंदू विद्यापीठ से तमाम आईएएस आईपीएस पीसीएस अधिकारी पैदा होते हैं, डॉक्टर वकील इंजीनियर सीडीओ डीडीओ बीडीओ लेखपाल तहसीलदार कानून गुरु अध्यापक प्राध्यापक और मेरे दोस्तों वाइस चांसलर बीसी प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर पैदा होते हैं। उस काशी हिंदू विद्यापीठ में आईटी की छात्रा के साथ दरिंदगी होती है। गोदी मीडिया चौक अगर ये सोशल मीडिया ना दिखाता तो पूरी दुनिया के लोग सच को ना जान पाते ना भाप पाते। और अरे मेरे दोस्तों उन बेटियों को न्याय नहीं मिला। जब सोशल मीडिया लिखना शुरू किया कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय सीट पर आईटी की छात्रा के साथ काशी हिंदू विद्यापीठ में दरिंदगी हुई और वीडियो बना लिया गया, वहाँ के हमारे छात्राएं बहुत दिन तक आंदोलित थे। वो जो है बेचू के कैंपस में, काशी हिंदू विद्यापीठ के कैंपस में आए मेरे दोस्तों आंदोलित थे, न्याय पाने के लिए, उस आईटी की छात्रा को न्याय दिलाने के लिए आंदोलित थे, लेकिन न्याय नहीं मिला। बल्कि बड़ी मुश्किल से अगर एफआईआर दर्ज होता है और वो गुंडे 62 दिन बाद पकड़े जाते हैं, वो गुंडे कौन थे मेरे दोस्तों, दिल फट जाता है सुनकर। कोई गुंडा प्रधानमंत्री को गुलदस्ता भेंट कर रहा है, कोई गुंडा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुलदस्ता भेंट कर रहा है, कोई गुंडा जो है स्मृति रानी को गुलदस्ता भेंट कर रहा। ये जो तीनों गुंडे थे ये भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे मेरे दोस्तों, इसलिए इनसे हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कितने तो घटनाएं छिपा ली जाती हैं मेरे दोस्तों। गांव देहात में हम लोग यहीं के पढ़े लिखे पले हैं, आपने हमें 6वीं बार मौका दिया। तमाम घटनाएं थाने तक आती है और ये पुलिसकर्मी जो है थाना अध्यक्ष जो है पीड़ित बेटी पीड़ित महिला के ही मेरे खिलाफ जो है घर वालों को दबाव बनाकर और जबरदस्ती जो समझौता कराने का काम करते हैं। यहाँ थाने में न्याय के लिए जाते हैं तो हमें न्याय भी नहीं मिलता है, इसलिए मैं तो यही आपसे बता के जा रहा हूँ। ऐसी निकम्मी सरकार को हमें उखाड़ फेंकने के लिए एक एक कोट साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर भाई लालजी वर्मा को लाखों लाख वोटों से जिताकर पार्लियामेंट भेजना होगा, दिल्ली भेजना होगा। मैं विश्वास दिला रहा हूँ जिनको आपने सांसद बनाया आज तक तो गांव में आए नहीं होंगे। विकास की बात छोड़ दीजिए, जो अधूरा काम बचा है रामचल राजभर का विधायक निधि और भाई लालजी वर्मा का मेरे दोस्तों सांसद निधि, दोनों मिलाकर जो अधूरे कार है उस कार को हम लोग करा के चौमुखी विकास देने के लिए वादा करके जा रहे हैं। इसलिए मैं लंबी बातें ना करते हुए, क्योंकि कई कार्यक्रमों में भी भाग लेना है और ये लोग जो है कितना हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और हमें गुमराह करने की बात करते हैं। हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व कैसे खतरे में भाई, वोट के लिए हमें लड़ाने का और नफरत पैदा करने का काम करते हैं। जब इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का गृह मंत्री हिंदू, इस देश का वित्त मंत्री हिंदू, इस देश का रक्षा मंत्री हिंदू, इस देश में तमाम केंद्रीय मंत्री हिंदू, सारे भाजपा के सांसद हिंदू, सारे भाजपा के विधायक हिंदू, तमाम स्टेटों में मुख्यमंत्री हिंदू और मेरे दोस्तों चीफ जस्टिस हिंदू, तो मेरे दोस्तों हिंदू कहाँ खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी की कुर्सी खतरे में है, इसलिए हमें आपको लड़ाने का काम करते हैं, हमें आपको बांटने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूँ, इनसे सावधान हो जाओ, इनसे सतर्क हो जाओ, क्योंकि मेरे दोस्तों ये जो है धार्मिक उन्माद फैलाकर अब तो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अभी जब चारों चरणों के चुनाव का रुझान आया, इंडिया गठबंधन आगे है और मेरे दोस्तों इंडिया गठबंधन आगे है और मेरे दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी पीछे है। इसलिए मैं एक चीज और कह के जा रहा हूँ कि मेरे दोस्तों आज हमारे प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में तो फेल हो गए, जितना वादा घोषणा किए थे सब फेल हो गए, सब झूठ साबित हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों जब चार चरणों के चुनाव का रिजल्ट आया, झुकाव
जो राजनीतिक विश्लेषणों ने जो मेरे दोस्तों सोशल मीडिया पे वायरल किया कि इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान सबसे ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ सबसे पीछे है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और क्या भाषण और क्या बोलना शुरू किए कि अगर आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे तो आपकी जमीन को हथिया कर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, ज्यादा बच्चा बनाने वालों में बांट दिया जाएगा, आपका सोना चांदी लेके उनको बांट दिया जाएगा। मंगल सूत तक हमारे प्रधानमंत्री उतर आए और यहाँ तक आ गए कि गाय गोबर और भैंस, अगर आपके पास दो भैंस है तो एक भैंस आपको मुसलमान भाइयों को देना होगा। जिस माननीय राहुल गांधी ने उनके दो मित्रों चाहे वो अदानी हो चाहे अंबानी के बारे में पार्लियामेंट में भी उठाने का काम किया था, हर कार्यक्रमों में उनको घेरने का काम करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चारों चरणों के चुनाव के झुकाव के बाद उन्होंने बोलना क्या शुरू किए कि आज जो है राहुल गांधी अदानी अंबानी को गाली नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं कि अदानी अंबानी बोरे में नोट भरकर टेम्पो से राहुल गांधी के घर भिजवा रहे हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम है कि टेम्पो पे नोट लद के जा रहा तो आपकी ईडी क्या कर रही, सीबीआई इनकम टैक्स क्या कर रही है? अरे उसको लगाओ ईडी वालों को तो पता लगेगा को काला धन नोट भाजपा के कार्यालय में जा रहा कि राहुल गांधी के घर जा रहा। इस तरह जो है देश को गुमराह करने के लिए मेरे दोस्तों हमारे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, उनको कुर्सी से मतलब है, अब तो 400 पार नहीं 200 पार भी नहीं होगा। और मेरे दोस्तों जो कल का चुनाव होगा पांचवें चरण के चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी पीछे जाएगी, क्योंकि आज पूरे देश की जनता आक्रोशित है, गुस्से में है और इनको सबक सिखाने के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को बड़े पैमाने वोट देकर इनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए आज अग्रसर है। वो इंतजार कर रहा है हमारे लोकसभा का चुनाव की तारीख कब आएगी। तो हमारे यहाँ जो है 25 मई हो और कल पांचवें चरण का चुनाव 20 मई को हो रहा है और आखिरी चरण जो है 1 जून को है। तो इसलिए मेरे दोस्तों लंबी बातें ना करते हुए, क्योंकि मैं अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मुझे निकलना है, इसलिए मैं बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए अपने नौजवान भाई बहनों से, आए नौजवान भाई बहनों उठो जागो, ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है, इस देश प्रदेश में अमन चैन शांति हो, भाईचारा हो, कानून का राज हो, चौमुखी विकास हो, सभी जातियों का सम्मान हो, सभी धर्मों का सम्मान हो, आरक्षण सुरक्षित हो, संविधान सुरक्षित हो और मेरे दोस्तों बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो, पढ़े लिखे भाई बहनों को सरकारी नौकरी मिले, हर हाथ को काम मिले। और मेरे दोस्तों हमारे महबूब नेता ने बहुत भी इंडिया गठबंधन की सरकार ने बहुत वादा किया है, वादा तो इनका पूरा नहीं हुआ, किनका, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह, हमारे महबूब नेता ने कहा इंडिया गठबंधन ने जो तय किया है अगर सरकार बनती है तो किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होगा। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने थोड़ा चर्चा किया और मेरे दोस्तों जो हमारी गरीब बहनें हैं उनको 3,000 प्रतिमाह जो है पेंशन मिलेगा और जो घर की महिला गरीब परिवार की जो मुखिया होगी उसको 8,500 लगभग 1,00,000 रुपया हर साल मिलेगा। जो हमारे शिक्षित युवा बेरोजगार भाई हैं उनको भी 1,00,000 रुपया देने के लिए ये इंडिया गठबंधन ने तय किया है अगर इनकी सरकार बनती है। और जो कृषि के कृषि हेतु जितने भी उपकरण और जितने भी चीज़ें आती हैं, खाद बीज कीटनाशक दवा रासायनिक खाद या कृषि यंत्र, वो GST फ्री होगा। और इतने नहीं मेरे दोस्तों, हमारी सरकार ने फैसला लिया है जो आशा बहुएं हैं, मिड डे मील है और जो हमारी कार्यकर्त्री हैं ये आंगनबाड़ी, ये अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए लखनऊ जाती हैं, लाठी मिलता है मानदेय नहीं बढ़ता है। लेकिन हमारी इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आशा बहुएं, मिड डे मील और जो है जो कार्यकर्त्री आंगनबाड़ी, इनका जो मानदेय दुगना किया जाएगा। अगर इनको 10,000 मिल रहा है तो इनको 20,000 रुपया जो है इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। और इतने नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई बताते हुए जो हमारी बेटियां हैं, हमारी कन्याएं हैं, वो LKG से लेके PG तक निःशुल्क शिक्षा
जो है फ्री निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, यानी पीजी के मतलब उच्च शिक्षा तक ये भी दिया जाएगा। और हमारी गठबंधन की जो सरकार बनने पे तय किए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय राहुल गांधी जी कि चाहे गंभीर बीमारी हो असाध्य बीमारी हो उस बीमारी में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क दवा इलाज किया जाएगा अगर आप लोगों का आशीर्वाद मौका मिला। इतने नहीं, ये तो नौकरी नहीं दे पाए, 10 साल में नौकरी छीनने का काम किए और हमारे नौजवान पढ़े लिखे भाई बहनों को पर्चा लीक कराकर धोखा देने का काम किया। आज केंद्र में सरकारी नौकरी 30 लाख रिक्त है, सरकारी स्थान जो है 30 लाख रिक्त है, और अगर गठबंधन की सरकार आप लोगों ने बनाया तो पढ़े लिखे नौजवान भाई बहनों को 30 लाख सरकारी नौकरी देकर और रिक्त स्थान भरने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ मनरेगा की मजदूरी 450 रुपया प्रतिदिन होगा, और जिस जो राशन कार्ड और सुन ले बहनों के काम वाले जिनके पास राशन कार्ड है उनको 500 रुपया जो है मोबाइल रिचार्ज के लिए दिया जाएगा। इन्होंने तो 5 किलो अनाज दिया है, लेकिन हमारी सरकार बनने पर अपनी बहनों को 10 किलो अनाज फ्री दिया जाएगा, और उसमें जो है चीनी भी चाय पत्ती भी रहेगी और अरहर की दाल कड़ुआ तेल भी रहेगा। इतने नहीं, हमारी सरकार ने और फैसला लिया है मेरे दोस्तों कि ये 10 किलो राशन के साथ साथ कि जो सिंचाई होती नहर से सरकारी ट्यूबवेल से वो भी बिल माफ किया जाएगा, और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 के मुख्यमंत्रित्व काल में जब सरकार थी तो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर गरीब महिलाओं और छात्रों को जो है छात्राओं को और मेरे दोस्तों लाभ देने का काम किया, चाहे लैपटॉप हो, 30,000 कन्याधन हो, और साथ ही साथ हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलते थे, और महिलाओं का जो पेंशन ही सरकार बंद कर दिया, अब आपका पेंशन डबल मिलेगा। इसलिए आइए मेरे दोस्तों, अगर हम मौका दे लिए, जिस तरह हवा बह रही पूरे देश में, आज बीजेपी के लोग फोर्स मांग रहे हैं गांव में वोट मांगने के लिए, तमाम स्टेटों में प्रदेशों में लोकसभा क्षेत्र में घुसने नहीं दे रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवारों को, क्योंकि मेरे दोस्तों ये जो है भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा धर्म के आड़ पर हमें आपको गुमराह करके ये सत्ता के मेरे दोस्तों सबसे बड़े ये जो है सत्ता के लाभ सत्ता के लिए ये हर वो कर्म करना चाहते हैं, चाहे वो मेरे दोस्तों धर्म के नाम पे हो, हमें झूठ बोलने गुमराह करने की बात रहो, तो ये वोट के सौदागर हैं। इसलिए इन वोट के सौदागरों को हमें हटाकर एक एक वोट 25 मई को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्री लालजी वर्मा को साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर लाखों लाख वोटों से जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। जय समाजवाद।